were doing some questions on electrostatic potential, and these were basically some conceptual questions. At each corner of an equilateral triangle, identical charges are placed. Then at the center of the triangle, the resultant electric intensity is zero. At the center of the triangle, the net electric potential is zero. Okay? At the electrostatic potential energy of the system is zero, and the resultant electric intensity at any corner is zero. तो अब भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर आइडेंटिकल चार्जेस एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल द रिजल्टेंट फील्ड इज जीरो बट नॉट पोटेंशियल. ठीक है, पोटेंशियल भाई साहब आपका जीरो नहीं होगा. देखो यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगा, आपका एक्स, ये हो गया भाई साहब, ये सारे, ये वाला डिस्टेंस कितने का है, एक्स एक्स और एक्स. ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाई साहब, फॉर आइडेंटिकल चार्जेस एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल द रिजल्टेंट फील्ड इज जीरो बट नॉट पोटेंशियल. रिजल्टेंट फील्ड कैसे जीरो हो जाएगा, देखो इस फील्ड को अगर हम लाते हैं, समझ लो इन दोनों के बीच में जो फील्ड है, ये फील्ड किस तरफ होगा भाई साहब, इसका इसका इधर और इसका भाई साहब इधर, तो रिजल्टेंट फील्ड यहाँ पे जीरो हो गया, है कि नहीं, इन दोनों चार्जेस के बीच में रिजल्टेंट फील्ड जीरो. इसी तरह से इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में रिजल्टेंट फील्ड हियर विल बी जीरो, इन दोनों चार्जेस के बीच में रिजल्टेंट फील्ड जीरो, सॉरी, और सिमिलरली इन दोनों, तो आपका रिजल्टेंट फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज दीज आर चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस. चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस. फॉर आइडेंटिकल चार्जेस एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल द रिजल्टेंट फील्ड इज जीरो बट नॉट द पोटेंशियल. पोटेंशियल यहाँ पे जीरो नहीं होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो जाएगा. ठीक है, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एंड द पोटेंशियल वी आर. तो आपका देखो ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू हो गया, और इनके बीच में भाई साहब डिस्टेंस कितना है, 2a, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एंड द पोटेंशियल वी आर. तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, और ई क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई इज इक्वल टू जीरो, वी इज इक्वल टू जीरो, ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, वी इज इक्वल टू जीरो, ई इज इक्वल टू जीरो एंड वी इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर द पोटेंशियल इज जीरो बिकॉज द चार्जेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट बट फील्ड इज नॉट जीरो. तो यहाँ पे चार्जेस आपके इक्वल और ऑपोजिट है, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल V will become zero, but the charges are equal and opposite. आपके जो charges हैं वो equal and opposite हैं, ठीक है, तो field आपका zero नहीं होगा. क्यों क्यों field नहीं zero होगा और potential zero हो जाएगा भाई साहब, potential क्या होता है, potential होता है, चलो यहाँ पे समझ लो इसका distance कितना हो जाएगा a, और ये वाला distance कितना हो जाएगा a. ठीक है, potential क्या होता है, q by 4 pi epsilon not r होता है. इस केस में r क्या हो जाएगा, a है ना, और माइनस चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी डैश. तो ये हो गया माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, दोनों का पोटेंशियल ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, जीरो, है कि नहीं. तो रिजल्टेंट पोटेंशियल तुम्हारा क्या हो गया, जीरो. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं जीरो होगा, अभी आप सोचिए इसको. इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ भाई साहब, चारों तरफ ना भाई साहब, रेडियली, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके रेडियली इनवर्ड्स है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स है. मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बढ़ाएगा या कम करेगा, बढ़ाएगा भाई साहब, है ना, ये इसको सपोर्ट करेगा. अगर दोनों इक्वल चार्जेस होते हैं प्लस क्यू या दोनों माइनस क्यू होते हैं तो एक दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो गया होता, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी जीरो, हाउएवर पोटेंशियल विल बी जीरो. ठीक है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, हाउएवर पोटेंशियल इज जीरो ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है, ओके. चलिए आते हैं भाई साहब, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अप्रोचेस अ प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन है भाई साहब और वो क्या कर रहा है भाई साहब, एक प्रोटॉन को अप्रोच कर रहा है. ठीक है, देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या पूछा है, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन्स अनचेंज्ड और ऑल ऑफ द अबव. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई साहब, जब आप फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, फोर्स के फोर्स में काम करें तो भाई साहब वो क्या होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे दिस विल बी बेसिकली वॉर, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और ऑपोजिट चार्जेस डिक्रीज हो जाएगा सिस्टम की एनर्जी. क्या समझ में आ रहा है, देखो अगर आपका यहाँ पे माइनस है प्लस है भाई साहब, वो आप नहीं भी लेकर जाएंगे तो भी जाएगा, वो नहीं भी लेकर जाएंगे तो भी जाएगा, है ना.
प्लस और माइनस जो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो आपको अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या फोर्स लगा रहे हो? फोर्स आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है ये? हाँ, अगर दोनों प्लस चार्जेस होते और तब आप धक्का मार रहे हो, ठीक है, दोनों को पास ला रहे हो, जैसे आप छोड़ोगे दोनों चिटक जाएंगे, है ना, क्यों? क्योंकि आपने फोर्स के अगेंस्ट काम किया है। जब भी आप फोर्स के अगेंस्ट काम करते हो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है, सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। यहाँ पे तो आप फोर्स के अगेंस्ट काम कर ही नहीं रहे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे? डिक्रीज हो रही है। इट इज अ नेचुरल मूवमेंट विच इज हैपनिंग, सो पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग। क्लियर है भाई साहब? क्लियर है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर ऑपोजिट चार्जेस विच अट्रैक्ट ईच अदर एंड पोटेंशियल एनर्जी विल ऑब्वियसली डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। द म्यूचुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यू वन एंड यू टू व्हेन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आर डी वन एंड डी टू इफ डी टू इज ग्रेटर देन डी वन देन, ठीक है, तो म्यूचुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर यू वन एंड यू टू, तो दो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और उनका जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, इज यू वन इंटू व्हेन द डिस्टेंसेस ऑफ सेपरेशन, तो जब उनका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डी वन है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना है? यू वन है। जब उनका सेपरेशन डी टू है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है भाई साहब? यू टू है। अभी डी टू की वैल्यू डी वन से ज़्यादा है, तो मतलब समझ रहे हो यहाँ पे क्या? कुछ नहीं, ठीक है। म्यूचुअल इलेक्ट्रिक ऑफ टू नेगेटिवली चार्ज, ये भाई साहब एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये वाला एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच में पहला वाला केस आपने लिया जब डिस्टेंस है भाई साहब डी वन, तो जब डिस्टेंस डी वन है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई भाई साहब? यू वन। अभी आपने क्या किया? डिस्टेंस को बढ़ा दिया, डिस्टेंस को बढ़ा दिया, ठीक है, अभी चार्ज को नहीं बढ़ाया आपने, डिस्टेंस इज डी टू और यहाँ पे हो गया यू टू। मुझे बताइए यू टू और यू वन में कौन बड़ा होगा? बट यू टू, अरे भाई साहब इनका क्या है, ये तो जा ही रहे ना, मतलब अगर आपका भाई साहब डिस्टेंस बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ने को तो आप सपोर्ट ही कर रहे हैं ना भाई साहब, तो यहाँ पे क्यों पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा? ठीक है, जब आप उन दोनों को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके सेम चार्जेस हैं, सो व्हेन यू ट्राइंग टू ब्रिंग देम क्लोज देन द पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, तो U1 बड़ा होगा या U2? ऑब्वियसली U1 बड़ा होगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट हियर? अगर दोनों सेम चार्जेस हैं, व्हेन यू ट्राइंग टू ब्रिंग देम क्लोज देन व्हाट आर यू डूइंग? यू आर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन यू ट्राइंग टू मूव देम अपार्ट व्हिच दे विल नेचुरली डू, यू आर डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसी तरह से जब ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब आप उसको क्लोज ला रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जब आप ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स को भाई साहब दूर लेकर जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करवा रहे हैं। यू आर वर्किंग अगेंस्ट द फोर्स, वेयर एवर यू आर वर्किंग अगेंस्ट द फोर्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। क्लियर है? तो आपका भाई साहब यहाँ पे यू टू बड़ा होगा या यू वन? यू वन विल बी मोर देन यू टू, मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन होगा, बट लेट्स सी। ठीक है, तो वही ये देखो भाई साहब, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, तो यहाँ पे आपका U1 विल बी ग्रेटर देन U2। क्लियर है? ओके ओके ओके। इफ एन अर्थ प्लेट इज बॉट नियर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, द पोटेंशियल एंड कैपेसिटी ऑफ चार्ज प्लेट क्या हो जाएगा भाई साहब? इंक्रीजेस डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस इंक्रीजेस, डिक्रीजेस डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, ये क्या है? पोटेंशियल और ये क्या है? कैपेसिटी। ठीक है, देन द पोटेंशियल एंड कैपेसिटी ऑफ द चार्ज प्लेट, ये पोटेंशियल है और ये कैपेसिटी है। ठीक है, चारों में ऑप्शन में। इफ एन अर्थ प्लेट इज बॉट नियर अ पॉजिटिव, यहां पे भाई साहब देखो अर्थ प्लेट है, ठीक है, ये आपका अर्थ प्लेट है, मतलब इसकी अर्थिंग के साथ कनेक्शन है, और इसको क्या कर रहे हैं भाई साहब? एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास ला रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास ला रहे हैं, क्या हो जाएगा भाई साहब? इफ एन अर्थ प्लेट इज बॉट नियर, टच नहीं करवा रहे, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट द पोटेंशियल, तो आप यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब? यहां पे नेगेटिव चार्जेस डेवलप होंगे और जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो क्या हो जाएंगे भाई साहब? फ्लो होंगे अर्थ में। ठीक है, सो अभी क्या हो जाएगा भाई साहब? अभी और ज्यादा चार्जेस होंगे, तो ऐसा चार्जेस क्या होता रहेगा? तो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, ठीक है, ऑब्वियसली व्हाट विल, कैपेसिटी इंक्रीजेस बिकॉज मोर चार्ज एक्यूमुलेशन द पॉजिटिव प्लेट एंड पोटेंशियल डिक्रीजेस बिकॉज ऑपोजिट फील्ड अगेंस्ट द फील्ड बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेस। ठीक है, तो आपका भाई साहब चार्ज एक्यूमुलेशन होगा, जितना ज्यादा चार्ज आपका अर्थिंग से जाता रहेगा और ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा, तो जितना ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी, तो कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, हाउएवर पोटेंशियल विल डिक्रीज। पोटेंशियल डिक्रीज क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके ऑपोजिटली चार्ज पोल्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, एट एनी पॉइंट इन स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ, समझ लो, एट एनी पॉइंट इन स्पेस, समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस तरफ है भाई साहब? नॉर्थ में है।
in the region surrounding this point, the rate of change of potential will be zero along north, south, ठीक है, north, south, east, west. Rate of change of potential क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा था, देखो एक formula, potential gradient, dV by dx पढ़ा था आपने. क्या है ये? मतलब इससे इससे लोग हैं ना भाई साहब, बस ऐसे ऐसे लोग हैं. क्या हो जाएगा ये? As the field is directed towards north, equipotential surface is east-west. ठीक है भाई साहब, देखो field किस तरफ directed है? North की तरफ directed है. ठीक है, तो आपका ये वाला जो line है, हम सारे lines को लेते रहे, तो equipotential surface is from east to west, है ना भाई साहब, ये सारे equipotential surfaces हो जाएंगे. As the field is directed towards north, equipotential surface is east to west, so the rate of change of potential, rate of change of potential is zero in that direction. मतलब अगर इस direction में आप किसी भी charge को move करेंगे तो उसका भाई साहब rate of potential change will be zero, क्योंकि सारे equipotential surfaces हैं. अगर equipotential surface में आप किसी charge को move करते हैं, so the work done in moving that charge is zero. ठीक है, okay. Two charged spheres of radii 10 cm and 15 cm are connected by a thin wire. No current will flow if they have the same charge on each, the same potential, ठीक है, the same field on their surface and the same energy. कब कोई भी current flow नहीं करेगा? देखो दो charged spheres हैं, एक का भाई साहब radius क्या है? 10 cm है. एक का radius क्या है भाई साहब? 15 cm है. They both are connected by a thin wire. No current will flow. इस वायर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा अगर सेम चार्ज ऑन ईच है. क्या ये पॉसिबल होगा? अगर दोनों में सेम चार्ज होगा या सेम पोटेंशियल होगा? अरे भाई साहब, अगर सेम पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही तो करंट फ्लो होता है. अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा. ठीक है, सो इफ दे हैव द सेम पोटेंशियल, ऑब्वियसली नो करंट विल फ्लो थ्रू. द सेम फील्ड ऑन देयर सरफेस और द सेम एनर्जी, तो ऑब्वियसली भाई साहब आपका यहाँ पे नो चार्ज और नो करंट विल फ्लो इफ द पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल. दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज जीरो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही करंट फ्लो होता है. आप जब किसी बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली करंट क्यों फ्लो हो रहा है भाई साहब? पोटेंशियल डिफरेंस के. ये सारी चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई हैं. सिंपल आंसर भाई साहब, सेम पोटेंशियल अगर होगा दो बॉडीज के बीच में, अगर सेम पोटेंशियल होगा, देयर विल बी नो चार्ज फ्लो. क्लियर है? सिंपल. ओके 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 ओके. एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट, देन इलेक्ट्रॉन गेन्स मोर एनर्जी. ठीक है, प्रोटॉन गेन्स मोर एनर्जी, बोथ गेन सेम एनर्जी, नन गेन एनर्जी. एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन मूव थ्रू अ पोटेंशियल. भाई साहब आपका जो एनर्जी होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, एक प्रोटॉन का भाई साहब कितना है? 1.6 into 10 raised to minus न्यूटन माइनस 19, और वोल्टेज कितना है भाई साहब? 200. तो इलेक्ट्रॉन का इतना गेन हो जाएगा और प्रोटॉन का भी भाई साहब उतना ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज भी उतना ही होता है. ठीक है, और आपकी एनर्जी जो है तो एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? दिस विल बी बेसिकली व्हाट आर पीपल आर, ए बाबा, बोथ गेन द सेम एनर्जी. क्लियर? हाँ, बहुत अच्छी आ रही है तुमको. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से बोथ विल हैव द सेम एनर्जी. चलिए भाई साहब, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एंड चार्ज ई इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इन वैक्यूम, इट्स फाइनल स्पीड विल बी व्हाट पीपल? अरे भाई साहब, यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? देखो, व्हाट विल बी एन इलेक्ट्रॉन ऑफ ई, ये भाई साहब ई है, इसका इनिशियल स्पीड कितना है भाई साहब? जीरो. ठीक है, ओके, जब उसको आप क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? ऑफ मास एम एंड चार्ज ई, इलेक्ट्रॉन का मास तुमको दिया हुआ ई इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी, तो आपका भाई साहब इस पे फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स कितना लग रहा है? एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी? पोटेंशियल डिफरेंस वी इन वैक्यूम, इट्स फाइनल स्पीड विल बी, भाई साहब देखो यहां पे कितना हो जाएगा इसका? ई वी बाई एम, फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी? बोलो 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 बोलो, चलो चलो आप तो बोल सकते हो भाई साहब, ईजी है. हाँ, ई वी बाई एम, क्यों?
अरे आ, बच्चा पाटे का कर रहा है भाई साहब। देखो मुझे मालूम है कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को किसी पोटेंशियल डिफरेंस V से निकाल रहे हो तो ये हो जाएगी क्या भाई साहब उसकी एनर्जी, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी विच विल बी गेन्ड। काइनेटिक एनर्जी भाई साहब क्या होती है, हाफा एमा वी स्क्वायर। ये वाला वी और ये वाला वी अलग है, ये वोल्टेज वाला वी है, ये वेलोसिटी वाला वी है, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू ई वी, है ना, ई कैपिटल वी। तो आपका वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू ई वी अपॉन एम। मामला समझ में आ रहा है, टू ई वी अपॉन एम हो गया। तो वी की वैल्यू बच्चा पार्टी क्या हो गई, टू ई वी अपॉन एम, ये हो जाएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। दिस विल बी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, इट्स फाइनल स्पीड बस सर, टू ई वी बाई एम। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अभी आपने पढ़ा ना भाई साहब, एनर्जी गेन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू वोल्टेज, और ये काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये भाई साहब वेलोसिटी है, फाइनल स्पीड अटेंड। तो ये हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ई वी बाई एम। तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ टू ई वी बाई एम। तो आपका भाई साहब यहां पे, ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट है। हाँ कुछ डाउट नहीं। फोर आइडेंटिकल चार्जेस ईच ऑफ चार्ज क्यू आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, देन एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी कितना हो जाएगा भाई साहब। यहाँ पे आपका ये आपका एक स्क्वायर है और ये सारे आइडेंटिकल चार्जेस हैं, क्यू 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 ऐसा रखा हुआ है भाई साहब, ठीक है। आपके इस सेंटर में भाई साहब क्या हो जाएगा, देन एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी हाउ मच, ठीक है। तो आपका भाई साहब E इज नॉट इक्वल टू जीरो, V इज इक्वल टू जीरो, E इज इक्वल टू जीरो, V इज नॉट इक्वल टू जीरो, E इज इक्वल टू जीरो, V इज इक्वल टू जीरो, E इज नॉट इक्वल टू जीरो, V इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखो भाई साहब ये हो गया आपका स्क्वायर, ये चारों चार्जेस रखे हुए हैं क्यू 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 क्यू, ठीक है, ये आपके चारों चार्जेस रखे हुए विद क्यू वैल्यू ईच। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल आर आइडेंटिकल, सो आपका V आपका क्या हो जाएगा, दिस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो V आपका जीरो नहीं होगा क्योंकि V ऐड होता रहेगा। V की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, V की वैल्यू होती है क्या बोलो, Q बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट R, है ना। तो इसके वजह से यहाँ पे ये R, ये R क्या हो जाएगा भाई साहब, जो A है उसको होगा कुछ भी, यहाँ पे ये वाला भी R होगा, ये वाला भी R होगा, ये वाला भी R होगा, ये वाला भी R होगा। क्यों, क्योंकि हमको मालूम है कि भाई साहब इन अ स्क्वायर द डायगनल्स आर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, तो ये सब के सब आर हो जाएंगे। तो सबके वजह से, इसके वजह से भी इतना, इसके वजह से, तो ये सारे पोटेंशियल्स क्या होते रहेंगे भाई साहब, ऐड होते रहेंगे। सो फाइनली यू विल गेट V इज इक्वल टू फोर क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हो गया V, ठीक है, ओके। तो V तो आपका जीरो नहीं होगा क्योंकि V ऐड होता रहेगा। अगर आपका यहाँ पे ऐसा होता था, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तब क्या होता था, मतलब फोर एक होता था भाई साहब आपका Q बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये भाई साहब अल्टीमेटली आपको क्या देता था भाई साहब, जीरो, ठीक है, दिस वुड हैव गिवन यू जीरो। जिस आइडेंटिकल हो जाएंगे तो इसीलिए पोटेंशियल आपका जीरो नहीं होगा, ठीक है। पोटेंशियल आपका जीरो होगा तभी जब ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, ओके। अभी हम बात कर रहे हैं भाई साहब ड्यू टू सिमेट्री आपका ई सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। सिमेट्री मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के सिमेट्री के वजह से भाई साहब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा भाई साहब, ऐसा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा। सो ऑब्वियसली सारे के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, ये इधर से आ रहा है, 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 तो ऑब्वियसली सुपर पोजिशन पॉइंट है ये, तो ये सब के सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपका इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगा, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनहांस हो जाएगी, ठीक है, ओके। और ओके, सो आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सर्फेस ऑफ अ हॉलो कंडक्टिंग स्पीयर इज वी। तो आपका भाई साहब हॉलो कंडक्टिंग स्पीयर है और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वी बाई टू एट अ डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पे भाई साहब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ई बाई टू हो जाएगा, आर बाई टू इनसाइड द स्पीयर, आर स्क्वायर बाई टू फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द स्पीयर एंड आउटसाइड इट, टू आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर, ठीक है,
टू आर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द स्पीयर एंड आउटसाइड इट. देखो भाई साहब यहाँ पे समझो, ठीक है, यहाँ पे कितना है भाई साहब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वी एट द, लेट से ये आपका आर है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई साहब क्या होती है, जितना भी चार्ज अंदर होगा 4πε0r, है ना भाई साहब, क्लियर. अभी आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पे v बाई टू हो जाएगा. अगर हम v बाई टू कर रहे हैं भाई साहब, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, q बाई 4πε0, लेट से r डैश डिस्टेंस पे v बाई टू हो रहा है. डिवाइड कर लो भाई साहब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, तो v बाई टू अपॉन v बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा, q बाई 4πε0r अपॉन q बाई 4πε0r. q कैंसिल, 4πε0 भाई साहब कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे आपका v और v कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 1/2 इज इक्वल टू, ये r ऊपर जाएगा और ये r डैश नीचे हो जाएगा, तो r डैश की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 2r. r डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 2r, क्लियर है, r डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर, सो दिस विल बी 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर. क्लियर है, कैसा वैल्यू आया ये, ओके ओके ओके. सो v सरफेस की वैल्यू 2r, ओके. अ चार्ज q इज द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर ab, ठीक है, तो आपका भाई साहब ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, अ चार्ज q इज एट द सेंटर, यहां पे है भाई साहब चार्ज q इज एट द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर ab, सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर ab, इफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज q अलोंग द सेमी सर्कल इज w1, तो आपको भाई साहब एक चार्ज q को आप यहां पे मूव करा रहे हैं, वर्क डन इज w1, एंड वर्क डन इन मूविंग द सेम चार्ज q अलोंग द पाथ, इफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज q अलोंग द सेमी सर्कल इज w1, ओके, एंड वर्क डन इन मूविंग द सेम चार्ज q अलोंग द पाथ ac, भी अभी इसे कहां से आ रहा भाई साहब, c सेंटर है ना, सेंटर ऑफ, तो ये सेंटर है, चलिए सेंटर है, ठीक है, एंड इफ द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज अलोंग दिस इज w2, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज अलोंग दिस इज w2, देन, अरे देन w1 इज ग्रेटर देन w2, मैं क्या कर रहा भाई साहब, ठीक है, तो आपका एक सेमी सर्कल है ये ऑफ डायमीटर ab, ठीक है भाई साहब, डायमीटर ab हो गया. If work done in moving a charge q along the semicircle is w1, charge q जो है वो यहां पे है भाई साहब, ठीक है, तो charge जो q है वो भाई साहब है यहां पे, इस q के वजह से ये सारे रेडियस यहां पे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम किसी चार्ज को मूव करेंगे तो हमारा वर्क डन तो जीरो होना चाहिए. अच्छा जी, एंड वर्क डन मूविंग फ्रॉम द सेम चार्ज क्यू अलोंग द, ये आपका सी हो गया, समझ में आ रहा है भाई साहब, क्या समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ रहे हैं आप लोग, दत्त ऑप्शन देखो भाई साहब, w1 w2 आपका दोनों जीरो हो जाएगा, या w1 w2 दोनों जीरो नहीं होगा, देखो इसको सोचो, ये आपका ए और ये हो गया बी, ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर सी, ठीक है, और यहाँ पे आपने चार्ज एक रखा हुआ है क्यू, ठीक है, यहाँ पे सेंटर सी पे आपने चार्ज रखा हुआ है क्यू, ठीक है, इस चार्ज की वजह से अभी भाई साहब ये सारे रेडियसेस क्या हो जाएंगे आपके, रेडियस, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये सारे रेडियस हो गए, और पोटेंशियल क्या होता है ड्यू टू अ चार्ज, दिस विल बी इक्वल टू क्यू बाई 4πε0r, है ना भाई साहब, तो यहाँ पे जितना पोटेंशियल डेवलप होगा यहाँ पे भी उतना ही पोटेंशियल डेवलप होगा इस चार्ज की वजह से. सो ऑल दीज आर व्हाट, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, एंड वी नो दैट व्हेन वी मूव अ चार्ज अलोंग इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, इफ वी आर मूविंग अ चार्ज अलोंग इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस द वर्क डन विल बी जीरो. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब किसी चार्ज क्यू को आप इस सेमी सर्कल के अलोंग मूव कर रहे हैं तो उसका वर्क डन कितना हो जाएगा भाई साहब, जीरो, है कि नहीं. अभी हम आते हैं उसी चार्ज q को जब हम इस पे मूव कर रहे हैं अलोंग ए सी बी पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, अलोंग ए सी बी, अभी देखो ए सी बी,
इज डब्ल्यू टू। भाई साहब ये तो इक्वी पोटेंशियल नहीं होगा। चलो देखते हैं भाई साहब इसका आंसर क्या है। सोल्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, हेंस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। अच्छा जी भाई साहब ए एंड बी आर, तो ये आपका डब्ल्यू टू भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कंजर्वेटिव फील्ड है। यहाँ पे आपका भाई साहब सी है, ये ए, हाँ ऐसा भी ले सकते हैं हम। देखो चलो कंजर्वेटिव फील्ड हमने नहीं बोला, मतलब मैंने आपके ये चार पांच पॉइंट ले लिए, इन सारे चार अलोंग दिस सेमी सर्कल व्हेन यू आर मूविंग दिस चार्ज क्यू, सो ऑल दीज आर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। व्हेन यू आर मूविंग द चार्ज क्यू अलोंग इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ऑब्वियसली वर्क डन डब्ल्यू वन विल बी इक्वल टू जीरो। अभी हम यहाँ पे आते हैं, देखो ए सी बी, ए का जो पोटेंशियल है और बी का जो पोटेंशियल है क्या वो बराबर होगा? बराबर होगा भाई साहब। सो वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस विल ऑल्सो बी जीरो, तो W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? जीरो। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर A ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी, इट्स सेंटर इज जीरो। ठीक है, अभी भाई साहब देखो यहां पे एक चार्ज Q है, ए बी सी डी है ये। ठीक है, दिस विल बी ए बी सी डी, ए बी सी डी। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर A, यहां पे एक चार्ज प्लेस्ड है, Q is placed at one corner A of a square ABCD. Its center is zero. Its center, center is zero. O होगा भाई साहब। चलो, इसका center क्या होगा भाई साहब? O. A test charge Q is moved along the three paths, namely BC, ठीक है? फिर B क्या है ये भाई साहब? BC and BCD. कुछ समझ में नहीं आ रहा ये तो। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ अ इट्स सेंटर इज जीरो, ये कौन सा सेंटर है पैसा? चलो ये सेंटर हो गया। अ टेस्ट चार्ज क्यू इज मूव अलोंग द थ्री पाथ्स दैट इज बी सी। अच्छा चलिए भाई साहब, एक पाथ हो गया आपका बी सी, दूसरा पाथ हो गया आपका बी सी डी, ये वाला पाथ हो गया। ठीक है, बी सी डी ये वाला एक पाथ हो गया, एंड एंड बी ओ डी, बी ओ डी एक पाथ हो गया आपका, बी ओ डी। ठीक है, डूइंग वर्क, तो आपका जब बी सी पे लेकर गए हम तो हमारा वर्क डन अलोंग बी सी इज इक्वल टू कितना? डब्ल्यू वन। वर्क डन अलोंग बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू टू। ठीक है, एंड वर्क डन अलोंग बी ओ डी, वर्क डन अलोंग बी ओ डी, ये बी ओ डी, दिस विल बी हाउ मच? डब्ल्यू थ्री। आर वी क्लियर? क्लियर, ऐसा दिया हुआ है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे वर्क डन अलॉन्ग बी सी इज डब्ल्यू वन, वर्क डन अलॉन्ग बी सी डी इज डब्ल्यू टू, वर्क डन अलॉन्ग बी ओ डी इज डब्ल्यू थ्री। ठीक है, तो बताओ भाई साहब यहाँ पे आपका एक चार्ज प्लेस वन कॉर्नर, इस चार्ज के वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना? समझ लो इसका साइड हो गया ए ए, इसका साइड ए और इसका साइड ए, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बोलो? अंडर रूट टू ए हो जाएगा, अंडर रूट टू ए। इस चार्ज की वजह से बी पे पोटेंशियल कितना होगा? B पे पोटेंशियल होगा Q बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट A, है ना? इक्वी पोटेंशियल तो है नहीं भाई साहब। चलो अभी हम करते हैं V D पे कितना होगा? Q बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, और V C पे कितना होगा? Q बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट टू ए, तो अंडर रूट टू A, है ना भाई साहब? अंडर रूट टू A, ये सारे पोटेंशियल्स हो गए इन पॉइंट्स पे। ठीक है, अभी आप चार्ज Q को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? सी से लेकर बी तक। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा भाई साहब? वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सी, दिस विल बी वर्क डन अपॉन क्यू। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू, ये हो गया डब्ल्यू वन की वैल्यू। क्यू दिस विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी सी, वी बी की वैल्यू कितनी है भाई साहब? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और वी सी की वैल्यू कितनी है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट टू ए। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? Q बाई Q इंटू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1, और यहाँ पे हो गया A 1 बाई, ये हो गया 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट टू। तो यहाँ पे W1 की वैल्यू कितनी हो गई? Q बाई Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A अंडर रूट टू माइनस वन बाई अंडर रूट टू। ठीक है, ये हो गया डब्ल्यू वन। ठीक है, ओके, और डब्ल्यू टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? डब्ल्यू टू मतलब यहां से यहां फिर यहां, ठीक है, यहां से यहां फिर यहां, बी सी डी ना भाई साहब।
अभी बी और डी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं, तो यहां से यहां वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। यहां से यहां वर्क डन कितना हो जाएगा भाई साहब? अभी आपने कैलकुलेट किया, इतना आएगा, ठीक है। और यहां से यहां वर्क डन भी कितना आएगा? उतना ही आएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा आपका W2 हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ दैट, दैट इज क्या आया था भाई साहब यहां पे, टू टाइम्स ऑफ क्यू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और यहां पे भाई साहब अंडर रूट टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू। तो आप इसको लिख सकते हैं भाई साहब अंडर, चलो भाई साहब ये ऐसे लिखते हैं हम, फिलहाल कॉम्प्लिकेट नहीं करते। ये हो गया आपका W2। W3 क्या है भाई साहब? इज BOD, BOD, ठीक है। BOD मतलब फाइनल पोजिशन, देखिए आप B और D इक्वल पोजिशन, इक्वल पोटेंशियल है, तो जीरो वर्क डन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वर्क डन कहाँ पे हो रहा है? W1 में कि W, तो आपका W3 क्या हो जाएगा भाई साहब? W3 की वैल्यू हो जाएगी जीरो। W2 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ W1 है, सो मैक्सिमम वर्क डन किस में हो जाएगा भाई साहब? W2। हम यहाँ पे लिख सकते हैं W3 से ग्रेटर होगा W2, और W3 जीरो हो गया ना, एंड दिस विल बी W1 आपका ग्रेटेस्ट होगा, है ना भाई साहब? नहीं, W1 इधर आएगा, W1 इधर आएगा, एंड दिस विल बी ट्वाइस। और ये भी लिख सकते हैं कि W2 इज ट्वाइस ऑफ W1, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, कौन सा हो जाएगा बोलो ना, बोलो ए बोलो, क्या होगा भाई साहब? ये वाला आ जाएगा आपका, कि ये वाला कौन सा होगा भाई साहब? W1 इज नॉट इक्वल टू, कौन सा आया था हमारा जीरो? W3। और वही तो ले रहे हैं भाई साहब, आपका यहां पे W1 हो गया B से C, B C D, अच्छा B C D है, ओ ओ ओ ओ, W1 अगर B से C है, B का पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसके वजह से? चार्ज Q इज हेयर, है ना, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा भाई साहब? द पोटेंशियल एट B विल बी इक्वल टू Q बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट टू इंटू ए, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अंडर रूट टू ए। और C का पोटेंशियल क्या होगा भाई साहब? Q बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए, है ना। तो अगर हम B से C लेकर जा रहे हैं, कितना वर्क डन हो जाएगा? दैट विल बी पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ C, सो दैट विल बी पोटेंशियल ऑफ C, दैट इज Q बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस Q बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट टू A। तो यहाँ पे हो गया आपका Q बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ पे आया 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट टू, तो वही आ गया, देखो Q अंडर रूट टू Q हो गया, और यहाँ पे हो गया भाई साहब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू, वही तो आ रहा है यार। और क्या है भाई साहब? एंड बी ओ डी, बी ओ डी में तो आपका भाई साहब B, तो पहला हो गया हमारा W1, W1 की वैल्यू हो गई भाई साहब इतनी, है ना, ये हो गया आपका W1, इसकी ये वैल्यू हो गई। और फिर W2 में जाते हैं हम, W2 क्या है भाई साहब? आपका B C D, B C D, B की पोटेंशियल और D की पोटेंशियल कितनी होगी? D की पोटेंशियल भाई साहब जीरो हो जाएगी। B की पोटेंशियल कितनी है? B C D, आपका फाइनल पाथ देखिए, यहाँ पे B का पोटेंशियल कितना है? इतना। तो W2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बाई अंडर रूट टू ए, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ D, ठीक है, ओके। और भाई साहब, बताओ W3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? W3 is BOD, BCD, टन 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 टन। तो W2 की वैल्यू यहाँ पे Q से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। W मतलब देखो यहाँ पे इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस होगा? इतना, क्योंकि ये तो जीरो है। BCD में भी वही केस होगा, है ना। BCD कौन सा है भाई साहब आपका? सॉरी, ये हो गया आपका W3, ठीक है, ये हो गया आपका W3, BCD, BC की वैल्यू हो गई W1, और W1 की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब? Q बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट टू माइनस वन बाई अंडर रूट टू, ठीक है, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A होगा, ठीक है। और W3 की वैल्यू मतलब आपका BOD, BOD अगेन यहाँ पे भाई साहब W3 वही हो जाएगा जीरो। तो W2 और W3 बराबर हो जाएंगे भाई साहब, ठीक है, W2 एंड W3 विल बी इक्वल, बट यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, चलो देखते हैं भाई साहब इसका। VB इज ग्रेटर देन VC, पोटेंशियल ऑफ बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ सी, वी ए इज इक्वल टू वी सी, पोटेंशियल ऑफ बी ऑब्वियसली विल बी ग्रेटर देन
पोटेंशियल एट सी कैसे भाई सभी कैसे हो जाएगा? पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू, ये तो सही है भाई साहब, पोटेंशियल ऑफ ए और पोटेंशियल ऑफ सी बराबर होंगे, पोटेंशियल ऑफ ए और पोटेंशियल ऑफ सी बराबर होंगे, और पोटेंशियल ऑफ बी बेसिकली पोटेंशियल ऑफ सी से कहाँ बराबर ज़्यादा हो जाएगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये गड़बड़ है भाई साहब। ओके आई विल चेक ऑन दिस, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैथ्स वाले भाई साहब, बायो।